हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी के ब्रिस्टर चैनल में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएस एक्सेल में आप कोई भी सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हैं। यदि आप कोई एमएस एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डाटा बनाते हैं, डाटा एंट्री फार्म ही कोई भी फॉर्म बनाते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसमें मैं सिक्योरिटी लगा दूं, तो कैसे आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं, उसमें पासवर्ड कैसे डाल सकते हैं और पासवर्ड लगाने के बाद आप उसे निकाल कैसे सकते हैं, पासवर्ड रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज चलिए मैं यही बताने वाला हूँ आप सभी को। तो यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि आपको कैसे लगा ये हमारा वीडियो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एमएस एक्सेल में काम कैसे होता है, पासवर्ड कैसे डालते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। ठीक, सबसे पहले आप एमएस एक्सेल को ओपन करिए। जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट मान लीजिए बनाया आपने, ठीक, और आप चाहते हैं उसको कि मतलब कि उसमें पासवर्ड डाल दें, ठीक, तो ये कैसे संभव है, ठीक ना। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे पासवर्ड करते हैं, मतलब कैसे लगाते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक। अब आप इसे सेव, सबसे पहले पासवर्ड लगा लेते हैं फिर सेव करते हैं। तो प्रिपेयर करके इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर जाइए। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे आप जो पासवर्ड देना चाहते हैं इस फाइल को, कि जब सेव हो तो पासवर्ड डालें तब ओपन हो, तो सबसे पहले आप इसमें पासवर्ड दे दीजिए। जैसे हमने पासवर्ड दे दिया, फिर ओके कर दिया, ठीक। फिर दोबारा पासवर्ड मांगता है, कहीं आपने कोई वर्ड मिस तो नहीं किया, तो फिर आप पासवर्ड रीइंटर, वही पासवर्ड रीइंटर करिए, फिर ओके कर दीजिए, ठीक। फिर इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। जैसे मैंने ये डेस्कटॉप पे, नाम से सेव कर दिया, ठीक, और इसके बाद मैंने इसे कट कर दिया। ये देखिए, बुक फाइव नाम की हमारी एक्सेल की सीट बन चुकी है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा कि ये बुक फाइव डॉट XLSX, ये एक्सटेंशन नेम होता है, ये प्रोटेक्टेड है, मतलब आपको पासवर्ड डालना होगा। यदि आपको पासवर्ड पता है तो आप ये फाइल ओपन कर सकते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो ये फाइल आपकी किसी काम की नहीं है, तो ओके करिए, ठीक है दोस्तों। अब पासवर्ड लगाने के बाद हम चाहते हैं कि ये फाइल, जो ये फाइल हमने बनाई है, पासवर्ड डाला हुआ है, हम इसका पासवर्ड हटा दें, तो फिर वही प्रोसेस प्रिपेयर पे जाके इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे ही जाना है। ये देखिए, जो आपने पासवर्ड डाला था वो अभी भी है यहाँ पे, तो आप इसे रिमूव कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद इसे कट कर, ये डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंज यू मेड टू बुक फाइव एस कर दीजिए आप, ठीक। अब ये बुक फाइव रही, फिर आप इसे ओपन कर रहे हैं तो ये बिना किसी सिक्योरिटी के ओपन हो रही, मतलब कि आपने इसमें सिक्योरिटी लगाई और हटा दी, मतलब आपसे दोनों चीज़ आने लगा, कैसे सिक्योरिटी लगाते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के वीडियोज आपको बहुत सारे मिलेंगे हमारे इस चैनल में, और टेक्निकल नाम से है ही, और इसमें पूरे टेक्निकल वीडियोज आपको बहुत सारी सीख की वीडियोज मिलेंगी जो आपके बहुत सारे काम आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो जय हिंद।